विराट के बघेली समाचार में हम स्वाति अपना बचन के स्वागत करी थे। शुरुआत करी थे रीवा जिला से, जहां गोविंदगढ़ थाना के अंदर आवे वाले गांव सिपुरा चौकी के महिया गांव के पास बकरी चरावत 13 साल की बिटिया पानी पिए के खातिर नहर के पास गए और ओखर पैर छटिका और वह नहर में डूब गए। यह घटना की जानकारी कंट्रोल रूम से मिलने तय होमगार्ड और SDRF के टीम सवेरे पहुंच के नहर में खोज चालू करी। करीब एक घंटा के अंदर सब बरामद हुई गा और पुलिस का सुपुर्द कई दिन का है। बताई दी कि बिटिया के पहचान पूर्णिमा दाहिया निवासी कन्नौजा थाना बिछिया के रूप में कीन गई ही। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल एक दिवसीय प्रवास में रीवा पहुंचे और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित 10वां दीक्षांत समारोह में शामिल भी। बताई दी के महामहिम के साथ उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। राज्यपाल के मुख्य अतिथि में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 10वां दीक्षांत समारोह सम्पन्न भा। आई दिखाई थे कार्यक्रम के झलकियाँ और सुनाई थे अपने उद्बोधन में राज्यपाल का कहा थे। कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। मैं विश्वविद्यालय की छात्राओं को कुलगीत और सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं। इधर देखिए ठीक है, इधर देखिएगा उधर भी सबसे ना थोड़ा सा हम क्यों किसको यही किसको यादव इधर देखिएगा। हेलो ठीक है ना, देख लेंगे जो आ रही है यहाँ पर। जा रही है थोड़ा सा बच्चा। चल रहा अभी तक पीएचडी विषय अंग्रेजी कृष्ण कुमार जायसवाल विषय हिंदी विनायिका पटेल इधर देखिए वर्षा तिवारी
सामने देख क्या ओके स्नातकोत्तर उपाधि विषय एमए हिंदी पारो द्विवेदी इधर देखिए आशीष कुमार तिवारी इधर देखिएगा सामने इतना आवाज कैसे चलेगी भारत माता की वंदे वंदे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 10वां दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित अरे कैमरा वो आ रहा है यार तुम्हारा ही ऊपर चल जाओ ना सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी परम पूज्य डॉक्टर स्वामी श्री परमात्मानंद जी वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी कुमार आचार्य जी श्रीमती अनुराधा शर्मा जी कुल सचिव डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी के त्रिपाठी जी का वर्णन प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में मिलता है ऐसी पुण्य प्रथा की भूमि पर स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। इस समारोह में उपाधि और पदक से सम्मानित हुए छात्र छात्राएं उनके गर्वित और हर्षित माता पिता तथा शिक्षकों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। दीक्षांत समारोह में पदक विजेता तथा सभी उपाधि धारकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जहां एक और छात्र जीवन के कई असाधारण क्षणों और अनुभवों की यादों का एक अध्याय आज पूरा हो रहा है, वही जीवन के नए संकल्पों को साकार करने के प्रयासों का नया चैप्टर भी आज खुल जाता है। विद्यार्थियों से कहूंगा कि इस पल को संरक्षित वातावरण से ऐसे वातावरण में जाने का के रूप में देखें जहां आपको स्वयं सीखना समझना और सुनना है। आज आप सबने प्रतिज्ञा जो दी है कुलपति जी प्रतिज्ञा दिलवा रहे हैं, तभी मैं अच्छी तरह सुन रहा और स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में आज की कई परिस्थिति समाज की है देश की है उसके लिए भी मैं समझता हूं सभी बच्चों को सत्य बोलो धर्म का आचरण करो यही दो शब्द है और जीवन में कितने भी आगे बढ़ो तभी भी एक बात सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। मैं समझता हूं ये दो बात ध्यान में रखेंगे तो जीवन में तुम्हारा जीवन मंगलमय हो आनंदमय हो एवं उज्जवल हो ऐसे कुलपति ने आपको प्रतिज्ञा दिलवाई और उस आखिर में उन्होंने समझाया कि ऐसे उज्जवल होगा। वो प्रतिज्ञा एक दिन के लिए नहीं है, जब भी कोई भी काम करना है तो प्रतिज्ञा को ध्यान रखना। मैं समझता हूं कि आप जो ध्यान रखेंगे कोई भी काम अपने पास आए उसमें समझना मेरे को हमारी धर्म नीति है वो क्या कहती है उसी तरह हमको काम करना है तो मैं समझता हूं जीवन में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। कभी कभी मैं देखता हूं
समाज की अवस्था की बात हुई है, माता पिता ने अपने को कितनी दिक्कतें आई तो भी आपको पढ़ाया, घर में पैसा नहीं है तो भी कहां से। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संतोष सिंह रीवा में पहुंचे और कांग्रेस के जिला कार्यालय पहुंच के पत्रकार वार्ता के आयोजन के हैं। प्रदेश प्रवक्ता कहिन के राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा सफल रही। बताई दे कि यह यात्रा में पढ़ैया लड़का और व्यापारी सेना के जवान मिलके खूब सहयोग दिए। यह मौका में पहुंचे प्रदेश प्रवक्ता अपने आगे के रणनीति के बारे में का जानकारी दीन आई सुनीत है। नमस्कार भाइयों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के मित्रों, जो माननीय राहुल जी की जो मध्य प्रदेश में जो यात्रा हुई है, ये जो 387 किलोमीटर की जो यात्रा हुई है, जिसके अंदर जो है पूरी तरीके से जनता का जो अपार समर्थन मिला है, जिसमें जो है स्वास्थ्य समूह की महिलाएं, आपके जो है कई जो विश्व हिंदू कई जो छात्राएं हैं, बच्चे हैं, और जो है आपके जो है पूरी तरीके जो इसका जो वो मिला, तो इसमें सबसे विशेषता ही रही कि हर वर्ग के लोग माननीय जो है राहुल जी की यात्रा में शामिल हुए, और मान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने जी भी पूरी यात्रा में शामिल रहे, और भारत के जो जितने जो पदयात्री थे उसके साथ में उनके साथ भोजन करा, पूरा वो करा, तो उसी के सफल बनाने के लिए सफल जो आयोजन हुआ है, और मध्य प्रदेश के अंदर जो आने वाले समय में कांग्रेस जो है पूरी तरीके से जो है हर ग्रामीण सेक्टर मंडलम में जो काम करेगी, उसी इससे एक ऊर्जा मिली है और पूरे प्रदेश के अंदर इसका बहुत अच्छा संदेश गया है। बेरोजगारों से ही बात करी है, जो कर्मचारी पूर्व पेंशन योजना वाली जो वो है उससे बात करी, तो सब चीज़ों का वो हुआ है, तो ये और रिटायर फौजियों से बात करी, तो इससे बहुत अच्छा जो संदेश गया है, इसी को आगे जो है बहुत अच्छा करने के लिए आने वाले समय में जो कांग्रेस पूरी तरीके से मंडलम बूथ सेक्टर में अभियान चलाएगी, और कांग्रेस की जो पूरी नीतियाँ जन जन तक पहुँचाएगी, जिससे कि जो है आने वाले समय में चुनाव में, क्योंकि यात्रा तो गैर राजनीतिक यात्रा थी, राजनीतिक यात्रा थी नहीं, राहुल जी ने तो मिलने भारत जोड़ो यात्रा थी, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो उसके अंदर जो है उन्होंने ये करा। खबर सतना जिला से ही बताई दी कि रामपुर पड़खुरी शासकीय माध्यमिक विद्यालय में कई एक दिन से पीए वाले पानी के संकट बना है। स्कूल में पढ़े वाले लड़के भर नहीं बल्कि मास्टरों पीए वाले पानी की समस्या से परेशान है। बतावा जात है कि यह समस्या के बारे में कई एक बेर जिम्मेदारन का बतावा गा, पर कुछ सुधार नहीं भा, और अब मास्टरन के द्वारा पानी की समस्या का दूर करे खातिर मांग की जात लागी। ये जो बोर मतलब यहाँ ख़राब है, पानी की सुविधा बहुत दिखाई दे रही है, ना तो लेटरिन है, इसके बारे में आपने किसी से शिकायत किया था क्या? जी हाँ, विभाग को दिए हैं, बीआरसी कार्यालय को दिए हैं, जिला पंचायत में दिए हैं, पीएचसी विभाग को भी दिए हैं। वहाँ से क्या संस्था मिली आपको? दिए हैं कि आपके यहाँ देखने भी आए थे अगले साल, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि बोर मशीन यहाँ आ नहीं रही है जी। जो बड़ी वाली है, एक ठेकेदार आया था पीएचई विभाग के साथ जी, उसने बोला कि हमारे साहब इसमें हम बोर तो हमारा पास आया पर एक साल हो गया, लेकिन इसमें वजह क्या है कि मशीन नहीं आ रही है जी, भारी मशीन। हम कंप्रेसर वाले की बात की है तो बोला कि मेरा टेंडर सर उसका है 6 इंची का, इसलिए हम छोटी मशीन से नहीं कर सकते जी। चल मतलब आपने प्रयास किया? ये बहुत प्रयास किया 2 साल से। ठीक, थैंक यू सर। आप लोग पानी पीने कहाँ जाते हो? बाहर जाते हो? ये हैंडपंप क्या है? हैंडपंप क्या हो गया है? कब से खराब है? बहुत दिन से। अच्छा, क्या नाम आपका? राजीव प्रजापति। राजीव प्रजापति, कहाँ से आते हो? पड़कुड़ी से ही हो ना? हाँ। चलो ठीक है। और पढ़ाई होती है स्कूल में? हाँ। कितने टीचर आते हैं? 6 टीचर आते हैं। हाँ। टीचरों को नाम बताओ। एक को नहीं पता। जिनका पता उनका बताओ। प्रवीण सर। हाँ। कुवेर सर। ध्रुवन सर। रेशमा मैम। अनामिका मैम। अनामिका मैम। छह सर जी मेरे से यहाँ सभी लोग अभी उपस्थित हैं? नहीं। कौन कौन नहीं यहाँ? एक, एक।
आपका नाम बताओ। और कौन नहीं है? कुबेर सर। नहीं है, चलो ठीक है। खाने में सब सिस्टम सही रहता है? हाँ। क्या मिलता है? दाल चावल। थाली अपने से धुलते हो? नहीं। कौन धुलता है? मैं। बैठ के खाते हो? हाँ। सात सूत्री मागन कलई के आदिवासी छात्र संगठन मुख्यमंत्री के नाव कलेक्टर का ज्ञापन सौंपिन है। पढ़ैया लड़कन के द्वारा बतावा गया है कि रीवा में मात्र अनुसूचित जनजाति लड़का और बिटियन के खातिर पोस्ट मैट्रिक छात्रावास संचालित है, जिमे केवल 50 सीटर हैं और सीटर बढ़ावे के मांग कीन जात लागी। आई अपना पंचन का दिखाई थे छात्रन के द्वारा का मांग कीन जात लागी। सर यहाँ मैं कलेक्ट्रेट कार्यालय से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन देना है। माननीय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा मेरा मुख्य मांग यहाँ कुछ मांगे सात सूत्री मांगे रखा गया है, जिसमें से छात्रावास यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में छात्रावास और छात्रवृत्ति को लेकर बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, जिसे अपना आदिवासी छात्र संघ के नेतृत्व में हमारे पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जा रहा है कि ये छात्रों पर ये जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है ये बिल्कुल बंद किया जाए। इसी मांगों को लेकर यह सात सूत्र जो दिया गया है वो इस प्रकार है, हम बताते हैं आपको। जैसे कि ये जो रीवा संभाग में एक अनुसूचित जनजाति बालक और बालिका छात्रावास संचालित है, जिसमें केवल 50 सीटर हैं और ये 50 सीटर को बढ़ाकर जो अपना छात्रावास है उसे बढ़ाकर 100 सीटर किया गया है, लेकिन आज तक नई बिल्डिंग नहीं दिया गया है, जिसे रहने के लिए बहुत समस्या होने लग रही है। और दूसरी बात जहाँ तक है, तो आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी पोस्ट मैट्रिक जूनियर छात्रावास सीनियर छात्रावास, जिनकी अभी तक छात्रावास की बिस्तर सामग्री राशि एवं शिष्यावृत्ति पिछले 2 वर्ष से लगातार अभी तक नहीं मिल पा रही है, जिसे चाहते हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय इसके जल्द से जल्द निराकरण कराएं। और तीसरा मांग ये अपना है कि पूरे रीवा संभाग में अपने आदिवासी आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा एक भी महाविद्यालय पीजी छात्रावास संचालित नहीं है। चाहेंगे कि एक हमारे संभाग स्तरीय में कम से कम एक पीजी छात्रावास जल्द से जल्द दिया जाए। अगला चौथा मांग हमारा यह है कि हमारे समाज पूरे मध्य प्रदेश में SC SC OBC की सी जो छात्र हैं, जिनका अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, कॉलेज में उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें तत्काल ये SC SC OBC समाज जो भी है उनको, जिनको पात्र हैं, पात्र विद्यार्थियों को दिया जाए। और अगला मांगे हमारा पांचवा मांग ये है कि जो पुराने छात्रावास थे, अभी जो आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित वहाँ से जो आवंटित पैसा जारी किया गया था उसका घोर भ्रष्टाचार किया गया है, उसमें से मनमानी तरीके से गुणवत्ता विहीन कार्य करवा कर पैसा निकाल लिया गया है, जिसे जांच करवा कर तत्काल उसे अतिशीघ्र कार्य को पूरा किया जाए, अच्छे तरह से ढंग पूर्वक कार्य किया जाए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सर मुन्नीलाल बैगा है, मैं प्रभारी संभागीय अध्यक्ष आदिवासी छात्र संघ मध्य प्रदेश। शिक्षा मंत्री अभी रीवा में है, अभी कॉलेज का उद्घाटन भी कर रहे थे, क्या उनसे मुलाकात की आप? जी अभी नहीं की। जो आपकी समस्या का आदिवासी छात्रावास पोस्ट मैट्रिक छात्रावास जो है अनुसूचित जनजाति बाल छात्रावास सिविल लाइन रीवा, जो उसमें कई दिनों से पानी की समस्या बताई जा रही है, लगातार 6 से 7 महीने हो गया पानी नहीं आता है। जब अधिकारी कर्मचारियों की जब मीटिंग होता है तब तत्काल लेट तक पानी दे दिया जाता है और पानी देने लगते हैं, जैसे ही मतलब 1-2 दिन के लिए पानी दे के फिर जैसे टाइम खत्म फिर पानी आना बंद, सप्लाई पानी, इस प्रकार की समस्या हम लोगों के बीच हो रही है, जिसके बारे में माननीय कलेक्टर साहब जी को आवेदन दिया गया था लेकिन अभी निराकरण नहीं हो पाया है बात। और अंत में एक बात मेरा और है कि यहाँ शासकीय अनुसूचित महाविद्यालय बाल छात्रावास रीवा में जो हैं 10 ऐसे छात्र हैं जिनका सन 2019 में उनका एडमिशन हुआ था, और 2019 में एडमिशन होने के बाद उनका बिस्तर सामग्री राशि उसी सत्र में मिलना चाहिए, लेकिन आज 4 साल बीत गया उनका एडमिशन छात्र वृत्ति जो आता है शिष्यवृत्ति बिस्तर सामग्री राशि आज तक नहीं मिल पाया है। तो यही 7 मांगे हैं, हम चाहेंगे कि माननीय कलेक्टर महोदय जी हमारे इन मांगों को जल्द ही निराकरण करेंगे, इसी बात को लेकर मैं आज ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँचे। रीवा के शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय सभागार का जनता का सुपुर्द करे खातिर मंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं। बताए दी के कन्या पूजन के बाद सभागार का जनता का सुपुर्द कीन गा है। ए दौरान विधायक राजेंद्र शुक्ला, सिमरिया विधायक के पी त्रिपाठी और जन भागीदारी अध्यक्ष प्रबोध ब्यास और कॉलेज के प्रोफेसर कर्मचारी शामिल रहे हैं।
जिला प्रशासन से बोल रहा हूँ हम। शादी ब्याह के कार्यक्रम में गली गली रोडन में जाम लगा रहा थे। बताए दे कि कम जगह होए के बावजूद और दोनों तरफ गाड़ी खड़ा कर दे थे, जिसके कारण कई एक बेर सड़क दुर्घटना होती। अपना पचन के बताए दे कि ऐसे एक थे मामला लाल गांव चौकी क्षेत्र से आवा है, जहां मोटरसाइकिल से जाए वाले लड़का के साथ कुछ ऐसे भा है। बताए दे कि लड़का जैसे शादी का एक कार्यक्रम वाले घर के पास पहुंचा, तब एक कौनो कार के गेट खोल दिए, जिसके कारण लड़का रोड में जा गिरा और लड़का का उठावे के बजाय 8 से 10 लोग आपस में लड़े लागे। इतना ही नहीं, चकुआ भोप दीन का। लेकिन पुलिस पीड़ित के एक नहीं सुनी, जिसके चलते पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच के न्याय के गुहार लगाई सी। आई अपना पंचन का सुनाई थे पीड़ित का मांग करी सी। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरा नाम अजय नामदेव है, पिता का नाम जगदीश नामदेव, मैं लालगांव निवासी का रहने वाला हूँ। किसी काम के कारण मैं अपने शाम 6 बजे करीब गांव से निकल रहा था। मेरे गांव से 350 मीटर की दूरी में लक्ष्मण गुप्ता का घर था, वहां उनके घर में कोई कार्यक्रम था, जिस कारण रोड में दोनों साइड गाड़ियां खड़ी थी, जिसके अचानक कोई लाइट मारने से फाटा खोलने के कारण मेरा टकराव हुआ, जिससे मैं गिर गया। गिरने के कारण लोगों ने वहाँ के कॉलोनी में जितने गुप्ता लोग हैं 8-10 लोग मिल के मुझे लात घूंसों से मारा। मारने के बाद उठाया नहीं, चाकू से बार किया। चाकू का घाव ये है, आप देख सकते हैं, संजय गांधी मुझे रेफर किया गया। टाका लगी आपकी चोट? ये चाकू का ये लगा हुआ है, आंख में लगा है, यहाँ लगा है, सिर में लात घूंसों से जो बारिश हुई है। 5-6 लोग मिल के मारे हैं मुझे चौकी में। मैं 7 तारीख की ये घटना है, मैं लालगांव चौकी उप थाना है गढ़ थाना, शिकायत मैंने 8 तारीख को की। कोई कार्रवाई नहीं, एफ आई आई में चेंजिंग हुई, जिनका नाम लिखाया है उसमें से एक आदमी का नाम काटा गया, धारा कोई कमजोर लगा हुआ है, कोई कुछ नहीं, इसलिए मेरे जान को खतरा है। बार बार धमकी देते हैं कि तेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना होगी, मैं पुलिस को खरीद लिया हूँ, कोई कुछ कर ना पाएगा, गवाही कौन देगा तेरे खिलाफ, तू कुछ नहीं कर सकता, मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। इस कारण मैं आज मैं SP साहब के कार्यालय में आया हूं, अपनी शिकायत दर्ज कराने आवेदन दे दिया हूं, उनसे मुलाकात नहीं हुई है, आवेदन एक प्रत दे दिया हूं। मैं आरोपियों से यही चाहता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जानलेवा हमला किए हैं, इसलिए चाहता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सजा मिले। आज खातिर इतने, बघेली मविंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।